ओम शांति, नमस्ते। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, कहती जिसे प्रकृति। कितनी सुंदर रचना तेरी, कहती जिसे प्रकृति। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। बना इन्हीं से जीवन अपना कायम, इन्हीं से रहता। सांसें चलती हैं पवन से, नीर रगों में बहता। खूबसूरती इन सब की आँखों में सदा उतरती। हाँ, खूबसूरती इन सब की आँखों में सदा उतरती। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी। सचमुच प्रकृति इतनी सुंदर परमात्मा की रचना है। ये प्रकृति हर कोई पसंद करता है। नीला गगन, सुंदर झरने, नदियाँ, समंदर, आकाश, प्रकाश, ये पवन, ये प्रकृति है ना, तो हम है। ये सृष्टि प्रकृति से है। आप देखिए ना, प्रकृति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हमारा ये नश्वर शरीर भी पांच तत्वों से, प्रकृति के पांच तत्वों से बना हुआ है। एक दिन प्रकृति में ही तो मिल जाने वाला है। तो सचमुच प्रकृति इतनी सुंदर परमात्मा की रचना है। हम सब के लिए ये प्रकृति एक ब्लेसिंग है, क्योंकि हमारा और इस सृष्टि का अस्तित्व ही तो प्रकृति से है। अर्थात प्रकृति से प्यार करना यानी कि खुद से प्यार करना, क्योंकि हमारा ये शरीर जो है ना, प्रकृति से बना हुआ है। जितना हम प्रकृति से प्यार करते हैं, उसका अर्थ यही हुआ कि हम अपने आप से प्यार करते हैं। लेकिन हम सब ने प्रकृति को भी दूषित कर दिया है। मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है कि अपनी जरूरियातों को पूरी करने के लिए प्रकृति को भी नष्ट कर रहा है, दूषित कर रहा है। और कहीं ना कहीं इसलिए प्रकृति में भी तमोप्रधानता आ गई है। हम बचपन से सुनते आए हैं प्रकृति सचमुच महान है, प्रकृति से हमें सीखना चाहिए। प्रकृति हमेशा हर एक जीवात्मा को देती रही है। कहते थे ना बचपन में, वृक्ष अपना फल नहीं खाते, नदी ना अपना जल पीती है। जो सदा देती रहती है वो है प्रकृति। ये कपड़े, ये घर, हमारा भोजन, हम जो श्वास लेते हैं, वो पवन, हर कुछ तो प्रकृति का दिया हुआ, प्रकृति से हमें मिल रहा है। और हम क्या कर रहे हैं प्रकृति के लिए? और यही प्रकृति प्रेम जगाने के लिए आज हम इस विषय में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, जब भी हम थोड़ा सा काम से, ऑफिस से, घर के कारोबार से थक जाते हैं, तो हम सोचते हैं हम किसी हिल स्टेशन पर जाएं, वहाँ जाकर थोड़ा प्रकृति का आनंद ले, प्रकृति की गोद में कुछ समय बिताएं, नेचर में कुछ समय बिताएं। और हम अपनी खुशी, अपना आनंद प्राप्त करने के लिए भी प्रकृति की गोद में, माँ प्रकृति की गोद में जाते हैं। लेकिन आज अपने आप से पूछने की आवश्यकता है, जो हमें सदा 24 घंटे 24/7 जो हमें सब कुछ दे रहा है, जो प्रकृति हमें दे रही है, उसके रिटर्न में मैं क्या कर रहा हूँ? प्रकृति को दूषित ही कर रहा हूँ। देने की तो बात ही नहीं, प्रकृति को और ही बिगाड़ रहे हैं हम, वातावरण को बिगाड़ रहे हैं। सिर्फ हैशटैग करके नेचर लव लिखने से, फोटोज क्लिक करके नेचर में हम प्रकृति से प्रेम नहीं दर्शा सकते हैं। हम कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं, कौन सा हमारा ऐसा कर्म है जो प्रकृति के प्रति, जो सदा हमें देती रहती हैं, उसके प्रति हमारा प्यार प्रत्यक्ष दिख रहा है? नहीं, हम इतने स्वार्थी जो हो गए हैं। प्रकृति के पांचों तत्व से प्यार करें। उन एक एक तत्व से प्यार करना, धरती, अग्नि, वायु, जल, आकाश, ये पांचों तत्व जिसको हम हर पल यूज कर रहे हैं। हम किसी की छोटी भी चीज यूज करते हैं ना, तो उसे शुक्रिया अदा करते हैं, उनको भी गिफ्ट देते हैं। लेकिन यहाँ तो जो हमें 24 घंटे दे रहा है, उसके लिए तो हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं।
उसके लिए तो सदा प्यार होना चाहिए, सदा कुछ न कुछ उनको देते रहना चाहिए जो हमें हमेशा देते हैं। लेकिन हम अपनी स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण इस प्रकृति को दूषित ही करते जा रहे हैं और प्रदूषित करते जा रहे हैं। ऐसी ऐसी चीज वस्तुओं का उपयोग करते हैं जो हमारे पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है, जिससे कई रोग और बीमारियां फैल सकती हैं। हम इतने लोभी होते जा रहे हैं कि प्रकृति से हर चीज लूट रहे हैं। आप देखिए, इस धरती के नीचे जितने भी खनिज तत्व है उस सबको निकाल निकाल कर हम क्या कर रहे हैं। धरती के नीचे पूरा खाली होता जा रहा है और जो लावा रस है वो ऊपर आता जा रहा है। इसकी वजह से धरती का तापमान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इतना ही नहीं, आकाश में से ओजोन लेयर भी काफ़ी ख़त्म हो चुका है। सूर्य की सीधी किरणें आ रही हैं, यूवी रेज आ रहे हैं, नई नई बीमारियां पैदा हो रही हैं, क्योंकि हमने प्रकृति को बिगाड़ा है। हमने आज प्रकृति की दशा ही बदल दी है। जो हमें सदा कुछ न कुछ देती हैं उसे हमें प्रदूषित कर दिया है। क्या ये है हमारा नेचर लव? बचपन से नारे तो लगाते आए, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, लेकिन उस जल को हम कितना वेस्ट करते हैं, उस जल को हम कितना दूषित कर रहे हैं। घूमने गए नदी किनारे, समंदर किनारे, ऐसे कुछ भी कचरा फेंक दिया और आ गए घर वापस। ये है नेचर लव। हम सबका ये कर्तव्य है कि हम प्रकृति को साफ रखें, हम पर्यावरण को दूषित ना होने दें, क्योंकि हम ऐसे ही प्रकृति को दूषित करते रहे तो कदाचित आने वाली पीढ़ियां तो ऑक्सीजन भी कैसे ले पाएगी, सांस कैसे ले पाएगी, इतना प्रदूषण जो फैल रहा है। तो प्रकृति के प्रति प्यार दर्शाना, अर्थात अपने हर कर्म में प्रकृति के सहयोगी बनना, जिसके अस्तित्व से हम जीवन जी रहे हैं उस अस्तित्व को रिस्पेक्ट देना, ये है प्रकृति प्रेम। और सिर्फ ये फिजिकल चीज़ें तो है ही है जो हमें ध्यान रखनी है, कि प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना, कूड़ा कचरा कहीं फेंकना नहीं, वृक्षों को काटा ना जाए, कम से कम डीजल और पेट्रोल का यूज़ हो, व्हीकल्स का यूज़ हो, शाकाहारी भोजन पकाया जाए, इन सब चीज़ों का हमें बहुत बहुत ध्यान रखना है और ये तो करना ही है। लेकिन एक बहुत 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 इम्पोर्टेंट बात है जो कदाचित हम सबको जानने की ज़रूरत है। पिछले 5 दिन से हम जो बात करते आ रहे हैं कि संकल्प से सृष्टि की रचना होती है, हमें अपने आप को बदलना है, हमारे संकल्पों को बदलना है। सही अर्थ में प्रकृति भी आज इतनी दूषित हो गई है कि अपनी तमोप्रधानता रौद्र रूप में दिखा रही है। कभी सुना था कि समंदर में बाढ़ आ सकती है? नहीं सुना था ना कभी भी। सुनामी आई और आज कहीं ना कहीं प्रकृति के ऐसे रौद्र रूप हम देख रहे हैं जो कभी सोचा भी नहीं था। पूरे के पूरे राज्य, पूरे के पूरे गांव पानी के अंदर समा जाते हैं। तो एक तरफ है ये प्रकृति की आज की दशा। कुछ सालों पहले, कुछ वर्षों पहले की अगर हम बात करें तो ऋषि मुनियों के आश्रम में श्वान और बिल्ली एक साथ रहते थे, प्यार से रहते थे। पता है क्यों? तपस्वी भूमि, तपस्या का वातावरण, संकल्पों की शुद्धता का वातावरण था उस समय। ऐसे ऐसे स्थानों पर हर प्राणी इकट्ठा होकर रहते थे। हम गीतों में भी गाते थे ना कि ऐसा एक युग था जहाँ शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। यानी कि प्रकृति में भी कितनी सौम्यता, कितना प्रेम था। और आज देखो, श्वान और बिल्ली एक साथ रह सकते हैं? रह ही नहीं सकते। और उसका कारण क्या है? हम है। हम जो सोचते हैं, हम जो सुनते हैं, हम जो पढ़ते हैं, हम जो देखते हैं, इन सब का असर प्रकृति पे भी होता है। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ कि कितना गहरा असर हमारी प्रकृति पे, हमारे पांचों तत्वों पे, हमारी सोच का होता है। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। 2 पानी के ग्लास लिए गए, एक ग्लास एक ग्रुप को दिया, दूसरा ग्लास दूसरे ग्रुप को दिया। और कहा गया, एक ग्रुप को कहा गया कि आपको बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स इस ग्लास में डालने हैं, और एक ग्रुप को कहा गया बहुत अच्छे अच्छे विचार कीजिए, बहुत सकारात्मक विचारों से इस पानी को सकाश दीजिए। करीबन 1 हफ्ते तक ये एक्सपेरिमेंट चला। और उसके बाद जब दोनों ग्लास के पानी का क्रिस्टल चेक किया गया, तो जो ग्लास का पानी जिसमें रोज़ सकारात्मक ऊर्जाएँ
और सकारात्मक थॉट्स का अफर्मेशन डाला जाता था। उस पानी के क्रिस्टल बहुत इजी और बहुत सुंदर थे, लेकिन जो ग्लास का पानी बहुत नकारात्मक ऊर्जा से भरा था, उस ग्लास के पानी के क्रिस्टल बहुत विचित्र थे और विशेष दिखे। तो इसका अर्थ ये है कि हमारी सोच का असर हमारी प्रकृति पे कितना गहरा होता है, और इसीलिए हमारी ही सोच की वजह से आज सृष्टि का वातावरण बहुत 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 डिप्लीट, नेगेटिव और डाउन हो गया है, तमोप्रधान हो गया है, और इसीलिए प्रकृति भी फिर हलचल में आकर उसका रौद्र रूप हमें दिखाती है। एक और एक्सपेरिमेंट किया गया, एक पौधा जिसे मंदिर में रखा गया और एक पौधा जिसे नाइट क्लब में रखा गया जहाँ डिस्को होता है, उसे वही सूर्य प्रकाश, वही जल, दोनों को सेम मिल रहा था, लेकिन अंतर था वातावरण का। कुछ समय के बाद दोनों पौधों को देखा गया, निरीक्षण किया, तो देखा कि जो पौधा मंदिर में रखा गया था वो बहुत सुंदर रीति से ग्रो हुआ था, और जो पौधा क्लब में रखा गया था वो सूखने लगा था, मुरझाने लगा था। तो प्रकृति को भी सतो प्रधानता पसंद है, प्रकृति पर भी वातावरण का असर होता है। हम अपनी ही बात ले लेते हैं, आप स्मशान में जाओ और आप मंदिर में जाओ, आपको कौन सा वातावरण सुखद लगता है? बट ऑब्वियस हमें मंदिर का वातावरण बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ना, क्यों? क्योंकि वहाँ की जो वातावरण में एनर्जी है बहुत पॉजिटिव, सकारात्मक, भगवान के प्रति प्रेम, श्रद्धा और विश्वास की एनर्जी है, जबकि स्मशान में दुख, अशांति, दर्द, पीड़ा, गिल्ट, यही सब वहाँ पे होता है ना। तो वो वातावरण हमें भारी कर देता है, दुख देता है। तो ये हमारी सोच से बना हुआ वातावरण है। हम मंदिर जाते हैं, बड़े प्रेम से भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान का शुक्रिया करते हैं, और हम जाते हैं स्मशान में, बहुत दुखी होकर जाते हैं, तो वहाँ का जो वातावरण होता है वो अशांत और दुखी होता है। तो हमारी सोच का असर सृष्टि के वातावरण को बना रहा है, और इसीलिए कहा गया है कि जैसी सोच वैसी सृष्टि, संकल्प से सृष्टि। लेकिन हम अपने मौज शौक के लिए, अपनी निजी जरूरियातों के लिए हम इतना ना घृणित कार्य आजकल करने लगे हैं। एक्सक्यूज हम हेल्थ का देते हैं, जैसे कि आपने स्लॉटर हाउस देखा होगा जहाँ पे प्राणियों को रखा जाता है, फिर उसका भोजन बनकर डिश में सजा कर हमारे सामने लाया जाता है, वो नॉनवेज खाना। स्लॉटर हाउस देखा है कभी? एक बार ज़रूर देखिएगा कि उसमें हर एक प्राणी कितना दुखी, अशांत और पीड़ित होता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि उसे काटने वाले हैं, उसे मारने वाले हैं। बहुत बहुत ज़्यादा हेटरेट, बहुत ज़्यादा पीड़ा और दुख दर्द के वाइब्रेशंस वो प्राणी पैदा करता है। फिर उसको काटा, उसकी सब्जी बनाई, उसका व्हाटएवर जो भी बनाया, और वो आपकी डिश में आपके सामने लेकर आते हैं, और फिर आप वो भोजन खाएंगे तो हम कहते हैं कि प्रोटीन खा रहे हैं। लेकिन सिर्फ प्रोटीन नहीं जा रहा है भाई और बहनों, दुख, अशांति, पीड़ा के वाइब्रेशंस, मौत के, हेट्रेड के वाइब्रेशंस उस भोजन के साथ आपके अंदर जा रहे हैं। अब हम कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, तो जैसा अन्न गया है वो दुख, अशांति, पीड़ा, दर्द वाले वाइब्रेशन वाला, मन भी वैसा बन जाएगा। और जब मन वैसा बनेगा तो मन में उत्पन्न होने वाले जो विचार हैं उसकी क्वालिटी बहुत बहुत नकारात्मक और तामसिक होगी। किसने हमें अधिकार दिया किसी प्राणी के बच्चे को, किसी भी प्राणी को काट कर उसको भोजन बनाकर खाने का अधिकार किसने दिया है? कोई धर्म भी नहीं कहता है कि हम ऐसा करें, ये मानवता में भी नहीं आता। हम तो प्रेम के देवता बनने जा रहे हैं, उसकी पहली सीढ़ी मानवता है, तो मानवता अपनाएं, यही प्रेम की पहली सीढ़ी है। किस बात का हमें अभिमान है? बुद्धि शक्ति दी है परमात्मा ने, वाणी की शक्ति दी है, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अन्य प्राणियों को आखेत करके उसका उपयोग हमें भोजन में करें, ये बिल्कुल हमारा अधिकार ही नहीं है। वो भी किसी के छोटे छोटे बच्चे हैं,
उनको भी जीने का अधिकार है। और एक बात, हमें भगवान ने जैसा बनाया है हमारा शरीर भी वैसा भोजन पचाने और खाने के लिए नहीं बनाया है। जो मांसाहारी प्राणी होते हैं उनके दांत, उनका स्टमक, उसकी रचना ही अलग होती है। परमात्मा ने हमें वैसा दिया ही नहीं है, परमात्मा हमें कभी ऐसा कहता भी नहीं है, तो फिर हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? इसलिए आज से हम इकट्ठे मिलकर ये संकल्प ले कि हमारे अन्न में हम सात्विकता धारण करेंगे, सात्विक भोजन स्वीकार करेंगे, माँ प्रकृति से जो हमें गिफ्ट मिलती हैं उसे आदरपूर्वक स्वीकार करेंगे। हम कितने ना अभिमानी और स्वार्थी हो गए ना, कई बार हम कहते हैं कि कर्म अच्छे नहीं किए ना तो पशु या पक्षी योनि में जाना पड़ेगा। क्या इसका अर्थ ये कि वो योनियाँ जो भी हैं वो योनि खराब है या पीड़ा की योनि है? मुझे तो नहीं लगता। हम अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए पशु पक्षियों की योनि को इतनी खराब दिखा देते हैं, कितनी वंडरफुल बात है। क्या आपने कभी किसी भी पशु या किसी भी पक्षी को सुसाइड करते देखा है? कभी भी किसी पशु या पक्षी को डिप्रेशन में देखा है, स्ट्रेस में देखा है? नहीं देखा ना। ये सब तो मानव जगत में है, डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, सुसाइड, ये सब चीज़ें हमारे जीवन में हैं। पशु पक्षी तो बड़े मज़े करते हैं, आकाश में खुशी से उड़ते हैं और ज़मीन पे खुशी से खाते हैं और घूमते हैं। उनको कल की भी चिंता नहीं होती है और वो अपनी ज़रूरियात के हिसाब से ही खाना खाते हैं। आप कितना भी खाना डाल दो उनके आगे, वो उतना ही खाएगा जितनी उसकी आवश्यकता है, उससे अधिक ना खाएगा, ना उसकी कोई जेब है जिसमें भर के ले जाएगा। और हमें देखिए हम क्या करते हैं, सिर्फ आज की नहीं, परसों, बरसों और अपनी अगली कई पीढ़ियों की चिंता करके सब बस इकट्ठा कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, अपनी आवश्यकता से अधिक इकट्ठा कर रहे हैं। ये है हमारी वृत्ति, और प्रकृति की वृत्ति क्या है? देने की। ये है प्रकृति का हमसे प्यार। लेकिन हमारा प्रकृति से प्यार कहीं ना कहीं दब गया है, और ये संस्कार हमारे इतने दृढ़ हो गए हैं कि हम जब दूषित करते हैं ना तो हमें नेचुरल लगता है, हमारे संस्कार ऐसे बन गए हैं कि ये तो नेचुरल है ना, ऐसे फेंक देना, कहीं भी कुछ भी फेंक देना, कूड़ा कचरा फेंक देना, स्मोकिंग करना, हवा प्रदूषित करना, ये तो नॉर्मल है। इतना हमें रियलाइजेशन भी नहीं है कि हम कितना ना प्रकृति के साथ गलत कर रहे हैं। और आपने भी अनुभव किया होगा, आप गार्डन में गए, आप घास पर बैठे हैं, अननोइंगली, कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन संस्कार वैसे बने ना डिस्ट्रक्टिव, उसकी वजह से हम बैठे बैठे घास को ऐसे उखेड़ते हैं, ऐसे उखेड़ते हैं, फेंकते हैं। प्रकृति प्रेम नहीं है ये, सिर्फ लेना 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 और डिस्ट्रक्टिव कर्म करना, प्रकृति को दूषित करना, प्रकृति प्रेम कहाँ गया? आज प्रकृति प्रेम को जगाते हैं, जिसकी अस्तित्व से, जिसके होने से हम जीवित है, उसका तो कितना न शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसका कितना ख्याल रखना चाहिए। और उसके लिए सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा हमारे मन का। मेरे मन में उत्पन्न होने वाले संकल्प किस क्वालिटी के हैं? मेरे विचारों की शुद्धता कैसी है? क्योंकि वही हमारे वातावरण को बनाता या बिगाड़ता है, और उसका सीधा असर हमारी प्यारी प्रकृति माँ पर होता है। इसलिए अगर हम अपनी प्रकृति माँ के लिए कुछ करना चाहते हैं, जिसकी गोद में हम जी रहे हैं, जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि हमें अपनी सोच में दिव्यता, सात्विकता, सकारात्मकता को धारण करना पड़ेगा। और उसके लिए सदा हम क्या पढ़ते, देखते या सुनते हैं, इस पर बहुत अटेंशन रखना पड़ेगा। कुछ भी कचरा यहाँ नहीं डालना है, यहाँ कचरा गया तो ये कचरा चारों तरफ फैलेगा, और वो अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। 2 साल से बहुत कठिन समय देखा है, और वो समय भी हमारे ही कर्म और हमारी सोच, तामसिक वृत्तियों का नतीजा है। इस प्रकार से अभी भी समय है, वो हमें चेता रही हैं, समझा रही हैं कि अपने आप को बदल लो, और सचमुच इट्स हाई टाइम टू चेक एंड चेंज।
एक छोटी सी सत्य घटना आप सबके साथ शेयर करती हूँ कि कैसे प्रकृति भी हमें सहयोग देती है अगर हम प्रकृति के सहयोगी और स्नेही रहे तो। एक भाई ब्रह्मा कुमारी संस्था में आता था और उस भाई का ये एक्सपीरियंस है कि वो जहाँ पे रहता था वहाँ बहुत भयंकर बाढ़ आई थी और उसकी वजह से सारे गांव वाले और सारे जो उस विस्तार के थे वो सब डूबने लगे थे और ये भाई भी डूब रहा था। पानी के नीचे सांस न लेने की वजह से कई लोग मर भी गए, लेकिन इस भाई का बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा। उसने शेयर किया था, उसने कहा कि जब बाढ़ आई और पानी एकदम से फोर्स में आया तब हम सब नीचे पानी के अंदर डूबे। उस समय मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि जैसे मुझे ऑक्सीजन मिल रही है और मैं बहुत नॉर्मली सांस ले पा रहा हूँ, जैसे हम बाहर हवा में लेते हैं वैसी ही सांस मुझे पानी के नीचे भी मिल रही थी और मैं बच गया, बाकी सब मेरे साथ वाले मर गए डूब के। ये क्या था? ये प्रकृति की सहायता उन विशेष आत्माओं के लिए जो आत्माएं प्रकृति की सहयोगी बनती है, प्रकृति की स्नेही बनती हैं, प्रकृति के लिए कुछ करती हैं, उन आत्माओं को प्रकृति भी जरूरत के समय सहायता देती हैं। तो ये बहुत बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस था और बहुत सत्य घटना है। तो आज से हम हर रोज सुबह प्रकृति का भी शुक्रिया करेंगे, जल, अग्नि, वायु, आकाश और धरती का शुक्रिया करेंगे, पांचों तत्वों का शुक्रिया करेंगे जिससे हमें हर पल कुछ न कुछ मिल रहा है। सचमुच प्रकृति से बड़ा कोई दानी नहीं है। इस गुण को अडॉप्ट करेंगे और सदा प्रकृति को शुद्ध रखने के लिए बाहर से भी और अंदर से भी प्रयत्न करते रहेंगे तो प्रकृति भी सत्वप्रधान बन जाएगी, प्रकृति भी सुख देने वाली बन जाएगी और ये संसार स्वर्ग बन जाएगा। परमात्मा हमेशा कहते हैं कि आपकी हर सोच सृष्टि के वातावरण को बनाती है, प्रकृति पर असर करती है, इसलिए प्रकृति प्रेम जगाना इसका दूसरा अर्थ है अपने आप को सकारात्मक दिशा में मोड़ना, अपने आप को सृष्टि कल्याण के लिए बदलना, अपनी सोच को शुद्ध और पवित्र बनाना, यही है प्रकृति प्रेम। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलेंगे। कल बहुत स्पेशल दिवस है, प्यार का दिवस है, जिस प्रेम की हम बात पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं ना, उसके सार को, उसके आधार को समझने वाले हैं। कल स्पेशल जुड़ना नहीं भूलिएगा, इसी समय इसी चैनल पर। मुस्कुराते रहिए, कीप लविंग योर सेल्फ, कीप लविंग योर फैमिली, कम्युनिटी, नेशन, वर्ल्ड। प्रकृति से प्रेम करते रहिए और प्रेम में जीवन बिताइए। अच्छा, ओम शांति, शुक्रिया।